तो क्लास देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दिया है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। अच्छा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से बीच बीच के में से उठ के आ जाता है एंट्रेंस एग्जाम में, जैसे बीएचयू वगैरह हो गया ना, बहुत सारे एग्जाम होते हैं उसमें आ जाता है। पोटेशियम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम सोडियम आर्गन क्लोरीन क्लोरीन और नियान। देखो इसमें आपको फंसाने के लिए दो इनर्ट गैस भी दे दिया है ना, तो ये नहीं कि आप ऐसे तुक्का उठा के आर्गन पहले लिख दो, ठीक है ऐसा नहीं करना है। तो देखो इसका ऑर्डर क्या है, पोटेशियम आर्गन सोडियम क्लोरीन नियान और फ्लोरीन। देखो पहले क्या है, पोटेशियम है, देखो इसका रीजन मैं बताता हूँ, आर्गन उसके बाद है, फिर सोडियम है। देखो ये तो आपको समझ में आ रहा है, सोडियम और क्लोरीन का समझ में आ रहा है कि सोडियम क्या लेफ्ट में है, ये राइट में है, तो क्लोरीन हो गया। अच्छा क्लोरीन में नंबर ऑफ सेल ज्यादा है, क्लोरीन में नंबर ऑफ सेल ज्यादा है, तीन है नाइट्रोजन और सॉरी सोडियम और क्लोरीन में, और नियान में दो ही है, तो भाई नियान तो छोटा ही होगा ना, नंबर ऑफ सेल जब ज्यादा कम हो गया तो नियान तो इससे छोटा हो गया, इसके बाद फ्लोरीन, ये सही है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कंफ्यूजन है भाई कि आप पोटेशियम नीचे देखो, पोटेशियम और आर्गन में ऐसा क्या कर दिया आपने। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका देखो, इसका देखो 19 है, इसका 18 है, भाई ये क्या है, ये तो ऑर्गन है, इनर्ट गैस इसका ज्यादा होना चाहिए। लेकिन देखो इसमें क्या है, क्या प्रॉब्लम है कि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, और इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है वैकेंट, इसलिए पोटेशियम का एटॉमिक रेडियस जो होता है, एटॉमिक साइज होता है, आर्गन से ज्यादा होता है। बस इसका इसको ये जाना है, यही जानना था इसमें, और आगे जब सवाल करेंगे तो इसके बारे में और मैं अच्छे से डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो चलो देखो ये ऑर्डर आप लोग लिख लेना। देखो एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो एटॉमिक रेडियस के बढ़ते हुए ऑर्डर में, ठीक है, देखो बेरिलियम लिथियम मैग्नीशियम सोडियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, ठीक है, सबसे ग्रेटर रेडियस इसका है सीजियम। अच्छा देखो इधर आप लोग देखो कि इतनी सारी चीजें बीच में, बेरियम तक देख लो है ना, उसके बाद क्या है आपका पोटेशियम है, मतलब इनका देखो नंबर ऑफ सेल भी लगभग ज्यादा है ना इन 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 दोनों का, लेकिन फिर भी पोटेशियम क्या एटॉमिक रेडियस क्या है, एटॉमिक साइज क्या है, इन दोनों से ज्यादा है, ये ध्यान रखो। क्यों, वही रीजन है कि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल हो तो ऑटोमेटिक इसका साइज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसलिए ये ऑर्डर भी आप लोग ध्यान रखना कि बी एल आई एम जी एन ए सी ए एस आर बी ए के आर बी और सी एस, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। देखो एक चीज और है, मैंने फर्स्ट ग्रुप के ले लिए हैं मेटल्स एलिमेंट जो भी हैं, अब उनमें बताना है कि मैक्सिमम एटॉमिक साइज में डिफरेंस किसका होगा, मतलब मैक्सिमम डिफरेंस किसमें होगा, दो एलिमेंट ले लो उनके कंटिन्यू एलिमेंट ले लो, उस उनमें से उनके एटॉमिक डिफरेंस में मैक्सिमम किसका, मतलब पेयर होगा, मैक्सिमम पेयर में कौन आएगा। तो देखो कौन आता है, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम में मैक्सिमम एटॉमिक साइज के डिफरेंस पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वही फिर से रीजन आ गया कि डी में क्या, के में क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो चलो आपको देखो ये क्वेश्चन भी रहा है 2007 में आपके एम्स में आया था, 2007 और 2011 में दोनों में ही लगभग आया था ये, कि बताया था इसमें क्वेश्चन दिया था कि एल आई एन ए, ठीक है, दूसरा दिया था एन ए आर बी एन ए के ना, तीसरा दिया था आर बी सी एस है ना, चौथा दिया था के आर बी, और बोला था कि इसमें से एटॉमिक साइज का मैक्सिमम डिफरेंस किन दो एलिमेंट्स के बीच में है। तो इसमें आपको आंसर देखते ही बता देना था, वैकेंट डी ऑर्बिटल के में है इसलिए क्या होगा, ये सोडियम और, ठीक है ये, ठीक है। देखो ये भी सही नहीं है, ये सही है, तो ये आप लोग एक बार देख लेना। देखो ये वैकेंट डी ऑर्बिटल इसमें कैसे होता है, देखो ये जो सोडियम होगा इसका सोडियम और पोटेशियम हम ले लेते हैं, ठीक है, इसका 19 इसका 11 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है, और इसका क्या होगा, इसका होगा भाई आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 है ना, 3s2 हो गया 3p6 3p6 और देखो
यहाँ पे 3D0 होता है, इसके बाद क्या होता है 4S1, ठीक है 4S1 होता है। तो देखो D में कितने एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट है, 1 2 3 4 1 5, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण इसका जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, इसलिए आपका डिफरेंस है जो वो मैक्सिमम होगा किसमें, पोटेशियम और सोडियम में।